नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवी यूट्यूब क्लासेज में। मेरा नाम है राकेश। आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है और पेज नंबर 113 है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें पहले के 40 ऐसे नंबरों का सम फाइंड करना है जो 6 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि पॉजिटिव इंटीजर कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक हमारी नंबर लाइन होती है और नंबर लाइन पे हमारा 0 होता है। ठीक, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, -1, -2, -3। ये जो नंबर होते हैं इनको हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं और ये जो नंबर होते हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, 0 जो होता है हमारा नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें इन सब की बात नहीं करनी, हमें 1, 2, 3, 4 की बात करनी है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो होंगे 1, 2, 3। ठीक, अब हमें डिविजिबल बाय 5 की अगर हम बात करें तो मतलब हमें ये नंबर ऐसे चेक करना है, 6 से डिवाइड करके नंबरों को चेक करना है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो यहाँ पर ये नंबर 6 से डिवाइड होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल ये डिवाइड होगा। तो एक नंबर हमारे पास 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 का बाद 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले समझ में आया कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर के जो नंबर्स होते हैं पॉजिटिव वाले वो होते हैं। 6 से डिविजिबल जो होगा वही नंबर हम यहाँ पर लेंगे, सारे नंबर हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका होता है, जब भी बोला होता है किसी नंबर के डिविजिबल तो हमें उस नंबर का टेबल पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 6 का डिविजिबल बोला है तो हमें 6 का टेबल यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, सो द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर सो पहले 6 वन जा 6 हो जाएगा, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 6 फोर जा 24 डैश डैश डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट में क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा एपी बनेगा, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 12, 18, 24। ठीक है, अब यहां से हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस और ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हटा देते हैं स्टूडेंट्स। तो जो पहला टर्म होता है उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, सो हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 6। ओके, जब हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना होता है कॉमन डिफरेंस डी में हम क्या करते हैं, ए टू माइनस ए वन कर लेते हैं। तो यहां पर बड़ा नंबर ए टू है हमारे पास 12 और ए वन है हमारे पास 6, तो यहां से आंसर आ जाएगा 6, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, अब हमें ए पता चल गया है, डी पता चल गया है। ठीक है, यहां पे बोला है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जो 40 है वो एन की वैल्यू है। ठीक है, एन इज इक्वल टू 40। अब हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया और एन पता चल गया, अब हम किसी भी नंबर का सम फाइंड कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग सम ऑफ फर्स्ट 40
पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 सो फार्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा सम का फार्मूला एस एन का फार्मूला। ठीक है, जहां पर एन है वहां पर एन इज इक्वल टू 40 पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा एस 40 इज इक्वल टू एन यहां पर है तो 40 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 6 दिया हुआ है, एन की वैल्यू 40 है, डी की वैल्यू हमने फाइंड किया 6। ओके, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 × 2 = 40। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा एस 40 इज इक्वल टू 20, 2 × 6 = 12 प्लस 40 माइनस 1 करेंगे 39 हो जाएगा। सो 39 × 6। ओके, सो यहां पर 20 12 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 3 = 54 5 कैरी 6 × 3 = 18 5 = 23। ओके, 2 + 4 = 6 1 + 3 = 4 = 2 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6 = 12 2 × 4 = 8 = 19 2 × 2 = 4 और ये 0 यहां पर अप्लाई कर देंगे और इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा एस 40 का। ठीक है स्टूडेंट, सो देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 4920। ओके, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। स्टूडेंट्स एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मैथ से है। चैप्टर नंबर 5 का ये क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज नंबर 113 है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, सॉल्यूशन द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जब भी डिविजिबल की बात करेगा तो हमें उस नंबर का टेबल पढ़ना है, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, 6 × 6 = 6 2 = 12 6 × 3 = 18 6 × 4 = 24 और फिर आगे ऐसे नंबर बनते जाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर इसी प्रकार से जो एपी बनेगा यही हमारा एपी हो जाएगा। सो एपी 6 12 18 24। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म हमारा होता है वो हमारा ए की वैल्यू होती है। जो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं तो एक ए 2 से ए 1 फाइंड करते हैं, A3 से A2 फाइंड करते हैं माइनस करके। ठीक है, तो यहां पर हमने 12 माइनस 6 कर लिया, हमारा आंसर आ गया 6। सो इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस आया 6। M जो की जो वैल्यू है यहाँ पे बोल रखा है कि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का फाइंड करना है, तो हमारे पास M की वैल्यू 40 हो गई। ठीक है, यहां से हम सम का फार्मूला लगा देंगे और इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।